सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर शर्मा ने कोरोना वायरस से क्षेत्र में फैल रहे दहशत से बचने की सलाह दिया है, क्योंकि सामान्यतः सर्दी खांसी बुखार को भी लोग कोरोना वायरस के रूप में देखने लगते हैं, जिसके लिए मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा ताकि प्रशिक्षित मेडिकल टीम जिले भर में कोरोना वायरस के सही पहचान की जानकारी दे सके और लोगों को संक्रमण से बचने का उपाय बता सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को विश्व पटल पर खतरा घोषित कर दिया है। लगभग 160 से अधिक देशों में संक्रमण फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन से मिले निर्देशानुसार कोरिया जिले में भी मेडिकल टीम गठित कर दी गई है, जिस टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले में एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है ताकि लक्षण पाए जाने पर सीधे हेल्पलाइन नंबर में सूचित कर मदद मांगी जा सके। साथ ही जिला अस्पताल बैकुंठपुर में अस्पताल परिसर से अलग 4 बेड का एक स्पेशल सेपरेट वार्ड बनाया गया है और अलग से एक वेंटिलेटर रखा गया है। जिला मेडिकल टीम द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी संसाधन सहित एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। मास्क से लेकर सभी उपकरण, आइसोलेशन सेंटर भी रखा गया है एवं संपूर्ण किट की व्यवस्था की गई है। इस दरमियान CHMO ने आज शहर के सभी मेडिकल दुकानों में जाकर खुद जांच की, कहीं उपयोग में आने वाले मास्क को अधिक कीमत में तो नहीं बेचा जा रहा है। साथ में यह भी चेक किया गया कि मेडिकल स्टोर में मास्क उपलब्ध है कि नहीं, जिस दुकान में नहीं है उन्हें रखने की सलाह दी ताकि हर व्यक्ति को मास्क सरलता से बाजार में मिल सके। प्रशिक्षण प्राप्त मेडिकल अधिकारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल पर कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे कि कैसे फैलता है, किस प्रकार बचा जा सकता है, क्या लक्षण है, किस रूप में कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को सही जानकारी दी जा रही है, लोग घबराए नहीं। CHMO ने आज लोगों से अपील की है कि सावधानी जरूर बरतें पर भ्रामक जानकारी ना फैलाएं। बाकी जिला मेडिकल टीम पूरी तरह मुस्तैद है, ऐसे केस मिलने पर राज्य को रिपोर्टिंग की जा रही है। कोरिया जिले में गिने चुने विदेश से लौटे लोगों को होम आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरिया में कोरोना के एक भी सकारात्मक केस अभी तक नहीं पाए गए हैं। कोरिया से राजू खान की रिपोर्ट। तो पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस डिजीज को पैंडेमिक घोषित कर चुके हैं। इसके तरह हम छत्तीसगढ़ शासन से मिले निर्देशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय सुबह ही इसमें निर्देशित किया गया था, और इसके तरह हमने सारे मेडिकल ऑफिसर को और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रीशियन है उनको हमने ट्रेनिंग रखा हुआ है, जैसा आपको पता है अभी चल रहा है। और जो इसके अनुसार जो IMA के मेंबर है, अध्यक्ष है, उन लोगों को भी हम लोग बुलाया है। हमारा उद्देश्य ये है कि इनके द्वारा हम ऐसा बताएं जो केस आते हैं उनको रिपोर्टिंग किया जाए और जो इनके क्वेरी होते हैं या जो है उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग जिला अस्पताल में 24 आवर्स हेल्प डेस्क की भी स्थापना कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों के क्वेश्चंस को जवाब दे सके। जो कई लोग डरे हुए हैं, सिर्फ साधारण सर्दी खांसी को भी वो समझ के कोरोना वायरस से भयभीत हो रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो 24 आवर्स हेल्प डेस्क है जिला अस्पताल में स्थापित करने हम जा रहे हैं, उससे वो सलाह लेते रहेंगे। और हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दूसरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, हमारे पास सारे संसाधन है, प्रॉपर मास्क है, N95 मास्क है, उपयोग में लाए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जो पर्सनल प्रोफाइल इलेक्ट्रिक किट है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। जिला चिकित्सालय में 4 बेडेड हमारे पास आइसोलेशन